बीच में आ गया ना कुछ शेर वेर बाघ वाघ आ गया ना, तो फिर तो भाई हालत खराब होने वाली है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं सीतावनी, और अभी मैं घर पे हूँ। टाइम हो रहा अभी 5:33 हो रखा है अभी, और हम जा रहे हैं सीतावनी। और अभी मौसम थोड़ा सा ज़बरदस्त वाला हो रखा है, तो मिलते हैं आगे सीतावनी में जाते हुए। ये व्लॉग सिर्फ सीतावनी जाते हुए बताएंगे हम कि कैसा कैसा रास्ता है, कहाँ से आपको जाना है, वो सब बताएंगे। अभी हम हैं रामनगर के पुल पे, बैराज पे, और अभी हमें यहाँ से जाना है राइट साइड को। और क्योंकि हम आए थे हल्द्वानी वाले साइड से, क्योंकि नए वाले पुल से, और अगर आप काशी रामनगर वाले पुल से आते हो तो आपको वहाँ लेफ्ट को जाना है, ठीक है। तो अभी हम आए हैं हल्द्वानी वाले तरफ से आए हम, तो अभी हमें जाना है यहाँ राइट वाले साइड से। और यहाँ से बता रहा है अभी 23 किलोमीटर बता रहा है, तो अभी यहाँ से 23 किलोमीटर है। एक्चुअली जो ये वाला जंगल है ना यार, बहुत बड़ा है, और मुझे ऐसे डर भी लग रहा है कि कहीं शेर वेर दिख गया रास्ते में तो फिर तो हालत ख़राब होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और क्योंकि हम बाइक में हैं, अगर कार वार में रहते फिर तो कोई डर नहीं था आई थिंक, बट चलो कोई नहीं, देख लेते हैं क्या होता है। तो हम पहुंच गए हैं थोड़ा सा आगे, अभी ये जंगल में हम, और यहाँ पे जो आवाज़ें आ रही है ना, तो क्वां 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 की आवाज़ें आ रही हैं। और एक्चुअली अजीब सा लग रहा है ना, मतलब अजीब सा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि कुछ बीच में आ गया ना कुछ शेर वेर बाघ वाघ आ गया ना, तो फिर तो भाई हालत ख़राब होने वाली है। और एक्चुअली मैं लाया तो हूँ आज रिंकू को, मुझे पता था कि यहाँ मतलब जंगल में जाना है तो कुछ भी दिख सकता है और कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली बारिश का मौसम भी है तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं रिंकू को भी ले आया अपने साथ। और चलो अभी तो हम थोड़ा सा आए हैं, अभी रास्ते में ही हम। तो एक्चुअली हम पहुंच तो गए हैं ये सीतावनी के जो गेट है, यहाँ से हमें राइट को जाना है। ये वाली रोड जाती है पाठकोट को, और ये वाली रोड जाती है सीतावनी को, ठीक है। यहाँ पे आपको पास, मतलब पास तो नहीं, यहाँ से टिकट होता है शायद 20-50 रुपये का होता है, बट अभी वो फ्री चल रहा है आई थिंक। बट जो है अभी सीतावनी का जो रूट है वो बंद हो चुका है, और अभी हम हैं इस गेट पे। और यहाँ पे एक्चुअली जो है बाइक भी अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि यहाँ पे बाइक भी अलाउ नहीं है। और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सुरक्षा कारणों से दोपहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित है। तो हम भैया यहाँ पे बाइक लेके भी नहीं जा सकते, और ये वाला गेट से हमें जाना था, और 5 किलोमीटर है अभी यहाँ से अंदर, बट हम
अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे टेढ़ा गांव में। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चाय पी थी और ऑमलेट खाया था। एक्चुअली मैं सिर्फ चाय पीने के लिए जा रहा था पाटकोट वहाँ से, तो सिर्फ चाय पीने के लिए उतनी दूर जा रहा था मैं, और चाय भी नहीं मिली वहाँ पे और हालत ख़राब हो गई खाली में। अब देखो मौसम कितना सही हो चुका है। तो ये थी फिर आज की ट्रिप, और हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सक्सेस ही हो, कभी कभी फेल भी होना पड़ता है। तो फेल होके भी एक्चुअली मैंने क्या सीखा कि फेल हुआ मैं, तो पहली बात तो वो वहाँ पे बाइक में नहीं जाने दे रहे थे हमें सीतावनी के लिए। आप प्लीज़ बाइक लेके मत जाएं क्योंकि जंगली जानवरों का ख़तरा हो सकता है, ठीक है। और अगली बात कि आपको बारिश वारिश में नहीं जाना चाहिए यार, वैसे तो आपको ये हमको और आपको पहले ही होश होनी चाहिए कि बारिश में नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी अब मैं चला गया। मैंने सोचा कि बारिश नहीं होगी बट हो गई थी बहुत ज़्यादा, और पूरे हम भीग चुके हैं। और अभी मैं आ चुका हूँ, ऐसे पूरा ट्रिप करके तो आ चुका हूँ मैं, और अभी मैं हूँ ये रामनगर के पुल पे, जो रामनगर का ये बैराज पुल है, ठीक है। तो अभी मैं चलते हैं, आप घर ही जाना है, वैसे तो क्या करना है। तो मेनली मैं बेताल घाट जा रहा था आज, और बेताल घाट की मेरी ट्रिप थी, तो चलो कोई बात नहीं। बेताल घाट तो जा नहीं पाया मैं, पर सीतावनी भी नहीं जा पाया, पाटकोट भी नहीं जा पाया, क्योंकि पाटकोट के लिए हम अलग ही रोड पे चले गए थे वहाँ पे ना, और मतलब कहीं भी नहीं जा पाया आज। तो कोई बात नहीं, इतना बहुत था, पर घूम तो गए ना, इतनी बारिश में हम घूमे तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था मेरा। और बाकी क्या, बाकी देखो यार मौसम बड़ा मस्त हो रखा है घूमने वाले लायक। अब तो भीग ही गए तो अब घूम ही लेते हैं ना, तो अभी देखते हैं कि कहीं जाएंगे हम लोकल तो यहाँ पे कहाँ घूमना है, बट फिर भी इतना तो घूम ही गए हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ बताना, ठीक है, और रिस्क लेते रहना तो मज़ा आता रहेगा, आप जितने रिस्क लोगे उतना मज़ा आएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। रिंकू बाय बाय बोल दे, बाय बाय। ये बेचारा आज सुस्त हो गया, इसकी हालत ख़राब कर दी मैंने। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।